फ्रेंड्स, इन्फोसिस के पहले क्वार्टर के रिजल्ट डेट आ गए और इस बार कंपनी ने बहुत ही शानदार गाइडेंस भी दिया है पहले के मुकाबले। और इसके अलावा इन्फोसिस में जो भी 2020 से 2024 तक कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी का शानदार अनाउंसमेंट हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अभी पिछले वीक से ही इन्फोसिस का शेयर थोड़ी बहुत हमें रिकवरी दिखाने लगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद ये शेयर लगभग 1300 रुपये के आसपास चला गया था और 50 रुपये की एक रेंज में फंसा हुआ था, यानी कि 1330 से 1380 की रेंज में ही यह शेयर ट्रेड किया करता था। मगर अभी पिछले वीक से यहाँ पर हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्फोसिस के गाइडेंस की बात करें तो अभी जो FY 2021 समाप्त हुआ वहाँ पर इन्फोसिस को $14 बिलियन की नई डील साइन करने का मौका मिला था, यानी कि 1 लाख करोड़ की नई डील इस साल कंपनी ने साइन की थी FY 2021 में। और इसी वजह से इन्फोसिस ने FY 2022 के लिए 12 से 14% के ग्रोथ रेट के गाइडेंस दिए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पिछले साल 24.5% के आसपास रहा था, वो हल्का सा घटाकर 22 से 24% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रह सकता है, ऐसा इन्फोसिस ने कहा था। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले पिछले साल के मुकाबले कम इसलिए क्योंकि पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से ट्रैवलिंग वगैरह कॉस्ट नहीं आती थी और इसी वजह से सभी आईटी कंपनियों के मार्जिन बढ़ गए थे। मगर पिछले साल के मुकाबले हल्का सा कम है, फिर भी जो पहले इसका 21 से 23% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के गाइडेंस आते थे उसके सामने तो यहाँ पर 1% हायर साइड ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के गाइडेंस आए। और इसके अलावा यहाँ पर कैपिटल रिटर्न पॉलिसी चल रही है इन्फोसिस की। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो इन्फोसिस ने FY 2020 से FY 2024 के लिए 85% कैपिटल रिटर्न करने की पॉलिसी बनाई है। तो ये जो पिछले साल हमें इन्फोसिस ने 12 रुपये एक बार डिविडेंड दिया था, एक बार 15 रुपये, कुल मिलाकर पूरे साल का 27 रुपये डिविडेंड दिया था और इसके अलावा 9200 करोड़ का बायबैक का ऐलान भी किया था। तो फ्रेंड्स, ठीक इसी तरीके से इन्फोसिस इस साल में और आगे आने वाले 1-2 साल तक जो उसकी 85% कैपिटल रिटर्न की पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए किसी ना किसी माध्यम से शेयर होल्डर को वो पैसे वापस देने का काम करते रहेंगे। तो ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है और ये बहुत ही उदार दिल वाली बात है इन्फोसिस की, ऐसा मुझे लगता है। और फ्रेंड्स, अब इसके पहले क्वार्टर की रिजल्ट डेट की बात करें तो इन्फोसिस रिजल्ट के ऊपर 13 जुलाई और 14 जुलाई दो दिन मीटिंग रखने वाला है और 14 जुलाई को अपने पहले क्वार्टर के नतीजे पेश करेगा। तो फ्रेंड्स, इस शेयर में क्या करना चाहिए? तो ओवरऑल यहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है TCS का भी और इन्फोसिस का भी। मगर फ्रेंड्स, मुझे यहां पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो बहुत बड़े रिटर्न बहुत ही फास्ट तरीके से मिलने की मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं, क्योंकि 12-14% की ग्रोथ इन्फोसिस के लिए तो बहुत ही है मगर बाजार के नज़रिए से देखें तो ठीक ठाक मानी जाती है। तो इसलिए से इस शेयर को अगर हमें डीप में मिलता है तो ही बाय करना चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर बहुत अग्रेसिव पोजिशन नहीं बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अगले आने वाले दिनों में यह शेयर कहाँ तक जाता है।